दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सएप की प्राइवेसी सेटिंग के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, दोस्तों आप व्हाट्सएप यूज़ करते ही होंगे और आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट्सएप में प्राइवेसी सेटिंग क्या होती हैं, इन्हें आपको क्यों करना चाहिए, क्योंकि जब आप इन्हें करोगे तभी आप व्हाट्सएप पे अच्छी तरह सुरक्षित रह सकते हैं, नहीं तो आपका व्हाट्सएप पे डाटा हैक भी हो सकता है, प्रॉब्लम भी हो जाती है। दोस्तों आपको बात में बेशक हमारी थोड़ी कड़वी भी लग रही होगी, आप बेशक गुस्सा हो रहे होंगे, लेकिन ये चीज़ आपको करनी चाहिए जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, व्हाट्सएप की प्राइवेसी सेटिंग। दोस्तों तो चलिए आदरपूर्वक सम्मानपूर्वक वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं हूँ इस चैनल का होस्ट बिमलेश कुमार, तो चलिए चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताऊंगा कि व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी सेटिंग होती है उन्हें आपको किस तरीके से करना होगा। दोस्तों आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा देना होगा, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पर इस तरह की वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं आपको। दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी वॉल की स्क्रीन के सामने इस तरीके से आ जाना होगा। व्हाट्सएप को इस तरीके से ओपन करोगे, यहाँ राइट हैंड साइड पे कोने पे आपको थ्री डॉट मिलेंगे, इस पर क्लिक करना है। अब सेटिंग पे क्लिक करना है, सेटिंग पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको नंबर फर्स्ट पे ही ऑप्शन मिलता है अकाउंट का, इस पर आपको टैप करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पर प्राइवेसी का, इस पर आपको टैप करना है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे नंबर फर्स्ट पर आता है लास्ट सीन का। लास्ट सीन का मतलब ये होता है दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी कोई आपका आप व्हाट्सएप चलाते हो या दूसरे का कोई व्हाट्सएप आप देखते हैं, चैट देखते हैं, तो उसमें लास्ट सीन नज़र आता है कि ये व्यक्ति इतने टाइम तक रहा है। तो ये दोस्तों आपके आपको इसमें सेटिंग क्या करनी होगी उसे पता ना चले, नोबडी आपको कर देना होगा, उसे कभी भी पता नहीं चलेगा कि आप कब आए, कब चले गए व्हाट्सएप पर। ठीक है, अगर आप एवरीवन लगाए हुए हैं तो सभी देख सकते हैं, जो कॉन्टैक्ट जो नंबर सेव भी नहीं किए होंगे वो भी देख सकते हैं, मैं कब आया कब चला गया। माई कॉन्टैक्ट पर होगे तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर जो सेव हैं वही जान पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नोबडी पे रख सकते हैं। प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करना है, सेम इसमें भी वही सिस्टम है कि प्रोफाइल फ़ोटो डीपी जो है आपकी नोबडी पे रखोगे तो कोई भी डीपी आपकी नहीं देख पाएगा। ठीक है, एवरीवन पे रखोगे तो आपकी डीपी सभी देख लेंगे, और माई कॉन्टैक्ट पे आप क्लिक करके रखोगे तो कॉन्टैक्ट जितने भी आपके सेव होंगे वो देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर नोबडी एवरीवन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अबाउट। अबाउट पे क्लिक करेंगे तो अबाउट का मतलब ये होता है आपके अबाउट में जो भी आपने लिखा है वो सभी को दिखाना चाहते हो या केवल कॉन्टैक्ट नंबर में सेव है उनको दिखाना चाहते हो, किसी को नहीं दिखाना चाहते हो, तो इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टेटस की। तो स्टेटस में दोस्तों यहाँ होता क्या है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि माई कॉन्टैक्ट, ठीक है, यहाँ पे क्या है माई कॉन्टैक्ट, आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर सेव होंगे वही देख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट। ठीक है, इस पर हम टैप करते हैं जैसे, तो यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं कि मुझे इस व्यक्ति को व्हाट्सएप का स्टेटस दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्लिक करेंगे, इस तरीके से उसे ही व्हाट्सएप आप दिखा पाएंगे। ठीक है, इस तरीके से डन करके, ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से मैं डिसकनेक्ट करता हूँ, से ओनली शेयर विद, इस पर क्लिक करेंगे तो आप किससे आप अपने व्हाट्सएप को शेयर करना चाहते हैं स्टेटस को वो भी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से तो मैं माई कॉन्टैक्ट पर ही रखता हूँ। ठीक है, इस तरीके से यहाँ रीड रिसेप्टेड का एक ऑप्शन मिलता है। इस ऑप्शन का मतलब क्या होता है, इस ऑप्शन का मतलब दोस्तों ये होता है कि यदि आपके पास किसी ने मैसेज भेजा और वहाँ पर वो मैसेज चला गया, ठीक है, लेकिन ये ऑप्शन अगर आपका बंद होगा तो वहाँ पे वो बंदा है वो ये नहीं जान पाएगा कि आपका मैसेज जो गया है वो आपने जान पाया है कि उसके पास चला गया कि नहीं चला गया, यानी कि ब्लूटिक आपका नहीं होगा लेकिन उसके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके पास पहुंच जाएगा और आपके यहाँ शो नहीं होगा। ठीक है, आप देख लोगे उसका मैसेज लेकिन शो नहीं होगा, दोनों तरफ से ही होता है ये। ठीक है, इस तरीके से हम इस तरीके से ये देखो डिसेबल है, इस तरीके से डिसेबल भी इसे रखना है, सॉरी यहाँ पे अनेबल रखना है। ठीक है, जैसा है वैसा ही रखना है। अब यहाँ पे करते हैं ग्रुप, ग्रुप पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे होता क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये मैंने माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट इस पर हमने किस लिए कर रखा है कि हमें कोई दूसरा व्यक्ति अपने आप व्हाट्सएप ग्रुप में ना जोड़ सके। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लिक करके यहाँ पे यही सेटिंग कर देनी होगी। ठीक है, ये सेटिंग आप जब कर दोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं जोड़ पाएगा। ठीक है, कोई भी नहीं जोड़ पाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ये काम कर लेना होगा तीसरे नंबर वाला। ठीक, नेक्स्ट लाइव लोकेशन। देखो यहाँ पे लोकेशन शेयर
हो जाती है। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे अभी तो नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि लाइव लोकेशन भी यहाँ पे हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लॉकेड नंबर। यहाँ पे आप ब्लॉकेड नंबर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे नंबर ब्लॉक हो जाते हैं। अगर आप किसी का करना भी चाहते हो तो इस पर क्लिक करेंगे राइट हैंड कोने पे, यहाँ पे सीधा नंबर इस तरीके से जैसे इस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे ये देखो ब्लॉक एक नंबर हो चुका है। ठीक है, अब इसे अनब्लॉक करना चाहते हैं तो अनब्लॉक कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से मैंने इसी नंबर पर टैप किया, लॉन्ग प्रेस किया और इस तरीके से मैंने इस पर क्लिक किया तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इस तरीके से, ये देखो नंबर फिर से वो वहीं चला गया जहाँ उसका जाना था। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से आ गया है। तो हम वहीं पे फिर से चलते हैं आपको सेटिंग के अकाउंट पे, प्राइवेसी पे, और ये देखो अब है फिंगरप्रिंट लॉक, इस पर हम टैप करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम अनेबल करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले बोल रहा है कि आप अपने फ़ोन का फिंगरप्रिंट पहले लगाइए, सेटिंग कीजिए, तब ये लगेगा। दोस्तों वहाँ पे आपको लगा देना होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपको मैं सारी सेटिंग यहाँ पे प्राइवेसी की सेटिंग बता चुका हूँ। दोस्तों आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, काफ़ी कमाल की वीडियो रही होगी। दोस्तों विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।